नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। कोवैक्स को मंजूरी देने की सिफारिश, सीरम ने बच्चों के लिए तैयार की है यह वैक्सीन। सावरकर को मंत्री ने दिया जांच का आश्वासन, विस में उठा कंप्यूटर प्रशिक्षण का घोटाला। फर्जी दस्तावेजों के लिए 1,25,00,000 का लोन, बैंक कर्मियों की मदद से की गई धोखाधड़ी। मौदा के गोदाम पर पुलिस का छापा, 1,00,00,000 का गुटखा जब्त। ओलावृष्टि की चेतावनी, मौसम विभाग ने किया सचेत। अतिक्रमण दस्ते का कड़ा रुख, सामान भी किया जब्त, अतिक्रमणकारियों का कैंपस के सामने हंगामा। बेमौसमी बदली बारिश से हो सकता है भारी नुकसान, रफी फसल पर खतरा। स्टेशनरी घोटाले में उच्च स्तरीय जांच हो, नगर विकास मंत्री को ठाकरे ने दिया पत्र। 5 एसटी कर्मियों का फिर कारण बताओ नोटिस, अब तक 23 लोगों पर हो चुकी है कार्रवाई। मगर की चालाकी से वन विभाग की टीम परेशान, 72 घंटे से चल रहा है लुका छुपी का खेल। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।